कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। ब्लैक हेयर्स बहुत अजीब लुक पेश करने वाली चीज है। ये बनते कैसे हैं ये तो मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूं। इनसे बचा कैसे जा सकता है वो भी डिस्कस कर चुकी हूं। बाकी रह गए निकालने के तरीके, तो वो कोई स्क्वीज करके निकाल रहा है, कोई पीलिंग मास्क ट्राई कर रहा है, कोई स्टीम ले लेता है, तो कोई बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट लगा लेता है। खैर, इन सारे तरीकों से कतई नजर। मैं भी कुछ रेमेडीज बता चुकी हूँ जिन पर बहुत से व्यूवर्स ने इत्मीनान का इजहार भी किया, शुक्रिया। लेकिन जो रेमेडी आज बताने जा रही हूँ वो कुछ स्पेशल और हटके है, क्योंकि ये बाकी रेमेडीज की तरह पहले से मौजूद ब्लैक हेयर्स पर शायद फास्ट काम ना करे, लेकिन इसकी खूबसूरती ये होगी कि ये रेमेडी सुपर नेचुरल होने के साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत आला और विटामिन से भरपूर हैं, जो पहले से मौजूद ब्लैक हेयर्स को स्मूथ और स्लिपी बनाकर निकालने के साथ दोबारा पैदा होने के चांसेस को बिल्कुल जीरो बना देंगे। मुझे यकीन है आपको आज की रेमेडी बहुत पसंद आने वाली है, सो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बहुत आसान है, इसका अंदाजा आपको इंग्रेडिएंट्स देखकर ही हो जाएगा। हमें चाहिए 3 से 4 अदद बादाम, तिल 1 चम्मच, जिन्हें सीसीम भी कहते हैं। ये याददाश्त को कैसे तेज, जिस्म को फरबा और रंग को कैसे सुर्ख और सफेद बनाते हैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, देखना चाहे तो सीसीम में मुना लिखकर देख सकते हैं। खैर, तीसरी आसान तरीन चीज है दूध। अब आपने करना ये है कि बादाम और तिलों को दूध के अंदर भिगो दें और रख दें रात भर के लिए। एक्चुअली हम दूध को ऑलमर्स और तिलों में एब्जॉर्ब करवाने वाले हैं। आप जानते हैं कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है और वो पिगमेंटेशन और स्किन को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अगर हम दूध को ऑलमर्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो इनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को बेटर वे में रिलीज करवा सकेंगे। खैर, हमने सुबह इनको निकाल लिया, ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इनका ब्राउन पील उतार देना है। उतारने के बाद इसको इसी के अंदर डालकर पीस लें, चाहे ग्राइंडर में चाहे कूट लें, मकसद इसका बारीक पेस्ट बनाना ही है। जब पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो फेस को वॉश करके इस पेस्ट को ब्लैक हेयर्स पर लगाना है और लगाकर बिल्कुल खुश्क होने तक छोड़ दें। लगाते हुए ही आपको एहसास हो रहा होगा कि किस कदर नेचुरल चीजें लगा रहे हैं और स्किन के बारे में इनकी फीडबैक पर किसी को शक भी नहीं है। अच्छा, जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो आखिरी काम ये करना है कि इसको धोना नहीं है, बल्कि उंगलियां दूध में गीली करके आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करते हुए उतारना है। ब्लैक हेयर्स और अदर स्किन डिसऑर्डर के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि दूध, बादाम और तिलों का तेल क्या होता है, क्योंकि दूध, बादाम और तिलों का तेल मिलकर ब्लैक हेयर्स को बिल्कुल नरम कर देंगे, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद पॉप अप होना शुरू हो जाएंगे। आप इस प्रैक्टिस को रोजाना भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदे ही फायदे हैं। सो स्टे ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।